सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस छात्रों को शांत करवाने की कोशिश कर रही है, मगर छात्र पुलिस पर ही भड़क रहे हैं। इस दौरान किसी छात्र ने एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार के साथ भी धक्का मुक्की की है, जिस कारण पुलिस अधिकारी भी सड़क पर ही गिर पड़े। छात्रों के सामने पुलिस बैकफुट पर दिखी, यहां तक कि छात्रों ने पुलिस को वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। दरअसल एबीवीपी के छात्र कानपुर के डीएवी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर कॉलेज में प्रदर्शन करने पहुंचे थे और अपनी इन मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया था, मगर जब मांगे पूरी नहीं हुई तो एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का मन बनाया। इसी दौरान पुलिस और छात्रों का आमना सामना हो गया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन करने कॉलेज पहुंचे, तभी कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया। ऐसे में छात्रों ने गेट पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश की। वही ताला तोड़ने के बाद एबीवीपी के छात्र कॉलेज के अंदर चले गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी कॉलेज में मौजूद था। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एबीवीपी के छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। वहीं छात्रों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर अभद्रता की। डीएवी कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से वसूली की जा रही है। छात्र कॉलेज के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान कुछ छात्र गेट खोलकर बाहर प्राचार्य का पुतला दहन करने जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो छात्र आक्रोशित हो गए, जिसके बाद छात्रों और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।